हमारे भारतीय लोगों के बीच में असंतोष था तो उनसे एक संवाद किया और उनको मुख्य धारा में लाने की कोशिश की और देश में अमन चैन एकता और सुख शांति बनी रहे उसकी कोशिश की। राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री जी थे। 15 अगस्त 1985 को असम पीस अकॉर्ड उन्होंने किया, पूरे देश को बताया कि उसमें क्या प्रावधान है और क्या पीस अकॉर्ड हम करने जा रहे हैं। वहीं राजीव गांधी जी ने 25 1986 को मिजो पीस अवार्ड साइन किया, हमारे नॉर्थ स्टेट्स में शांति बने उसकी कोशिश की। जहां जहां भी ऐसी बातें हुई, पंजाब से लेकर नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स तक, हमने देश में अमन चैन और शांति बनाने के लिए कोशिश की। नागालैंड अलग से स्टेट बना और नागा समस्याओं को भी एड्रेस करने की कोशिश की। हम आज भी चाहते हैं कि इस देश में कोई भी हो वो देशवासी है और उनके दिल में कहीं असंतोष है तो निकले, पर हमारा जो संविधान का फ्रेमवर्क है उससे बाहर जाके या तो वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए या कुछ मैंने कर दिया देखो वो दिखाने के लिए आप इस देश की संप्रभुता, इस देश की अखंडता को नहीं तोड़ सकते। मोदी जी आए, उन्होंने 15 अगस्त 2015 को डिक्लेयर कर दिया कि मैंने पीस अकॉर्ड साइन कर लिया है, नागा समस्या खत्म हो जाएगी। अब एनएससीएम के जनरल सेक्रेटरी के साथ बात हो चुकी है और हमारा ये काम ठीक हो गया, सब सहमत हो गया, सब सलामत है। जब पूछा गया कि इसकी डिटेल अब नहीं बताएंगे, बाद में पता चला कि ये पीस अकॉर्ड नहीं था, ये सिर्फ एक एग्रीमेंट, फ्रेमवर्क एग्रीमेंट हुआ। और फ्रेमवर्क एग्रीमेंट जब बनता है तो जो भी चुनी हुई सरकार है, जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो आसपास है, उन सबको विश्वास में लेना चाहिए। ना तो उस वक्त पे मणिपुर, आसाम या अरुणाचल प्रदेश, इनकी चुनी हुई सरकार को विश्वास में नहीं लिया गया। अरे यहां तक कि नागालैंड की चुनी हुई सरकार को भी विश्वास में नहीं लिया गया। और गवर्नर साहब कुछ करें और मोदी जी डिक्लेयर करें, ऐसी बातें हुई। बाद में जाके जब पता चला कि नहीं, ये तो सिर्फ फ्रेमवर्क एग्रीमेंट है, कोई पीस अकॉर्ड तो हुआ नहीं है,